दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। क्यों भुला देती है प्रकृति हमें पिछले जन्म की यादें, यह सही है या गलत, इसका रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। एक बच्चे के रूप में मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर बहुत से शोध किए हैं जिनसे काफी तथ्य निकलकर सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के शोध और ग्रंथों के अनुसार आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। हमारे धार्मिक ग्रंथों व पुराणों के अनुसार व्यक्ति केवल अपने शरीर का त्याग करता है, उसकी आत्मा अमर होती है जो कभी नहीं मरती। वह एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि व्यक्ति की आत्मा अमर होती है तो उसे अपने पिछले जन्म के विषय में कुछ भी याद क्यों नहीं रहता, वह सब कुछ क्यों भूल जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार करते समय कपाल क्रिया को विशेष माना जाता है। यह क्रिया शव को मुखाग्नि देने के पश्चात जब शव का अधिकतर भाग अग्नि में जल जाता है उस समय एक बांस को बीच से थोड़ा फाड़कर उसमें एक लोटा बांध दिया जाता है। अब उस बांस में बंधे लोटे में घी को डालकर चिता की परिक्रमा की जाती है। जब परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तब उस लोटे में रखे घी को शव के सिर पर डालकर उस बांस की सहायता से उस शव के सिर को तोड़ दिया जाता है। कपाल क्रिया करने का मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्ति के सिर का भाग अधिक कठोर होता है जिसे कपाल क्रिया के माध्यम से तोड़ दिया जाता है जिससे कि वह भाग पूर्ण रूप से भस्म हो जाए। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति के सिर का भाग यदि जलने से बच जाता है तो इससे व्यक्ति के दिमाग में अपने पिछले जन्म की यादें रह जाती हैं जिसके कारण उसे कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले जन्म की बातों को याद न रख पाने के पीछे ऑक्सीटोसिन नामक केमिकल है। यह केमिकल गर्भधारण के दौरान ही माँ के गर्भ से निकल जाता है, लेकिन अगर यह तत्व माँ के गर्भ से ही शिशु के साथ आ जाए तो उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद रहती हैं। अगर पिछले जन्म में हमारी मृत्यु किसी दुखद कारण की वजह से हुई है तो नए जन्म में उसको याद रखने से मनुष्य फिर दुखी हो जाएगा और लगातार उसके दिमाग में पूर्व जन्म की बातें और अपने करीबियों का दुख घूमता रहेगा। प्रकृति ने मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। हम अक्सर समय के साथ बीती बातों को भूल जाते हैं, यानी समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना। अक्सर जिंदगी में इंसान के साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं, जिन्हें वह भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अगर मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो एक नई शुरुआत करना उसके लिए असंभव होगा। इसीलिए पूर्व जन्म की बातें याद रखना भी असंभव होता है। हमारे शास्त्रों में भी साफ कहा गया है कि कर्मों से ही उसका अगला जन्म सुधरता है। आत्मा के कर्म इंसान को उसके पिछले जन्म की ओर खींचते हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा यही बात कही जाती है कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म का बोध हो जाता है, जैसे कि
उसका नाम क्या था, कहाँ रहता था, कौन थे उसके माता पिता आदि। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन बहुत ही कम यह देखा जाता है। इसमें भी कितनी सच्चाई है यह नहीं कहा जा सकता। अगर पिछले जन्म में हमारी मृत्यु किसी दुखद कारण की वजह से हुई है, तो नए जन्म में उसको याद रखने से मनुष्य फिर दुखी हो जाएगा और लगातार उसके दिमाग में पूर्व जन्म की बातें और अपने करीबियों का दुख घूमता रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।